हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स किड्स केयर। प्रेगनेंसी में कौन से पोजीशन में सोने से बच्चे का दिमागी विकास अच्छे से होता है, बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचता, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर लास्ट ट्राइमेस्टर वाइज किस पोजीशन में सोना चाहिए, किस पोजीशन में सोना नहीं चाहिए, तो ये सब बात मैं इस वीडियो में बोलने वाली हूँ। तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर का। तो फर्स्ट 3 मंथ्स आप जैसे भी पोजीशन में सो सकते हैं, लेकिन ट्राई करिए जो पेट के बल ना सोने के लिए। तो वैसे तो पेट छोटा रहता है और आप कोई भी पोजीशन में सो सकते हैं, कंफर्टेबल ही रहता है, लेकिन जितना जितना प्रेगनेंसी आगे बढ़ता है पेट भी बढ़ता है, तो इसीलिए पीठ के बल और पेट के बल सोना प्रॉब्लम होता है। वैसे तो पेट के बल तो सोना भी नहीं चाहिए, आगे पेट करके ऐसे करके बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। इससे क्या होगा, पेट के ऊपर प्रेशर आएगा और बच्चे को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ट्राई करिए लेफ्ट साइड या राइट साइड सोने के लिए। आप पीठ के बल अगर आप सोने का आदि हैं, मुझे पीठ के बल सोने का ही आदत था, तो आप सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई करते रहिए, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर से आपको पेट या पीठ के बल सोना ही नहीं है। इसलिए स्टार्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर से थोड़ा आदत डाल लीजिए। देन सेकेंड ट्राइमेस्टर से, जब फर्स्ट 3 मंथ्स हो गया आपका कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद से सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप ट्राई करिए साइड होके सोने के लिए, लेफ्ट या राइट साइड। सबसे बेस्ट है लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड सोने से क्या होता है, बच्चे को अच्छे से ब्लड जो है वो ब्लड फ्लो अच्छे से होता है, और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको भी ब्लड फ्लो अच्छे से होता है। तो उस वजह से क्या होता है, अगर प्रॉपरली ब्लड सब वेंस में जाएगा, सब जगह पे ब्लड अगर फ्लो करेगा, तो उससे क्या होगा, जो पैर का फूलना होता है, स्वेलिंग होता है फीट का, एंकल का, हाथ का, वो सब देखिएगा, प्रेगनेंसी में मैक्सिमम लेडी को स्वेलिंग रहता है, तो वो सब दूर हो जाएगा, उससे आप बचे रहेंगे अगर आप अच्छे से सोएंगे तो। लेफ्ट साइड होके ट्राई करिए सोने के लिए। तो हमेशा लेफ्ट साइड होके सोना पॉसिबल नहीं होता है, तो क्या करें, अगर मान लीजिए आप अचानक से रात में उठ रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि आप पीठ के बल सोए थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो गए तो जब उठ गए ट्राई करिए लेफ्ट साइड होके सोने के लिए। और कंटिन्यूसली लेफ्ट साइड होके सोने से भी बहुत पीठ का दर्द होता है, तो आप क्या करिए, धीरे धीरे जब भी आप, मैं ये सेकेंड ट्राइमेस्टर बात का बोल रही हूँ, उस टाइम पेट भी बड़ा रहता है, और अगर आपका 8 या 9 मंथ्स है तब तो और भी ज़्यादा पेट बड़ा रहता है। तो इसीलिए आप क्या करिए, जब भी आप साइड चेंज कर रहे हैं तो धीरे 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 ही चेंज करिए, सडनली ऐसे पलटी मत मारिए। इससे क्या होगा, पेट जो है वो, जो पेट का प्रेशर है वो सडनली एक साइड से दूसरा साइड चेंज हो जाएगा, तो बच्चे को भी झटका लगेगा, तो बच्चे को सोने में प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए जितना पॉसिबल हो सके लेफ्ट साइड सोने के लिए ट्राई करने के लिए। उसके बाद अगर आप साइड चेंज कर रहे हैं तो अच्छे से ध्यान से करिए, उठते टाइम भी ध्यान रख के हाथ ऐसे डाल के बेड के ऊपर उठिए, सोने के टाइम भी अच्छे से बेड के ऊपर हाथ डाल के धीरे 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 सो सकते हैं। और उस टाइम तो पेट के बल सोना पॉसिबल ही नहीं है, और पीट के बल बिल्कुल भी सोइए ही मत। अगर सो रहे हैं तो आपका पीठ का पेन अगर हो रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये पोजीशन को अवॉइड करिए। देन प्रेगनेंसी में क्या होता है, पीठ का, कमर का दर्द बढ़ जाता है, उसका बहुत प्रॉब्लम रहता है मैक्सिमम लेडी को। तो आप क्या करिए, एक प्रेगनेंसी पिलो आता है, और अभी तो डिलीवर नहीं हो रहा होगा, तो आप कुछ नहीं, घर में जो पिलो है 6-7 पिलो ले जाइए, सर में तो देना ही है, जो आपका जो घुटना है उसके बीच में आप रख सकते हैं पिलो, आपके कमर के पीछे रख सकते हैं, आप ऐसे करके 4-5 पिलो रख दीजिए, उसके बाद सोएं, देखिएगा आपका जो पीठ का दर्द है काफ़ी हद तक वो रिलैक्स हो जाएगा। और पीठ के दर्द के लिए क्या करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, और कभी अपलोड करूँगी। तो फिलहाल अभी के लिए आप जान लीजिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आप पेट के बल छोड़ के कोई भी पोजीशन में सो सकते हैं, लेकिन ट्राई करिए लेफ्ट राइट साइड होके सोने के लिए, ताकि आपका आदत हो जाए, नेक्स्ट आने वाले मंथ्स में आप ऐसे ही सोएं। और सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर जितना हो सके आपको लेफ्ट साइड होके सोना है।
सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो चैनल को नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मुझे कमेंट्स करिएगा आपका कौन सा मंथ चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।